जितना भी जैसे मैं बता रहा था आपको, पाकिस्तान के लिए ये कितनी बार हो गया भाई कि आपके जो प्लेयर्स आते हैं, अर्दन प्लेयर्स जो निकलते हैं वहां से, बिल्कुल ही मोहल्ले से निकलते हैं, कोई आपके मतलब गली कूचों से निकलते हैं, वो प्लेयर्स आपके लिए कितने बड़े बनते हैं। तो ये फर्जी प्लेयर्स को ताजपोशी करना बंद कर दें अब आप, क्योंकि ना ये फर्जी टाइप के प्लेयर्स जिनकी सिर्फ हाइप 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 चली जा रही है और डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं है। बाबर आजम ना वर्ल्ड कप में चला, ना ओडीआई वर्ल्ड कप में चला, ना T20 वर्ल्ड कप में चला, ना एशिया कप में चला, ना T20 एशिया कप में चला, चला ही नहीं है कभी। और बाहर आके देखो, तीसरा टेस्ट मैच है, 5 इनिंग हो गई यार, 150 नहीं है। है क्या 150 उसका? 150 नहीं है 5 इनिंग में। जमाल आके मार गया, जमाल आके कितना उसने दम दिखाया है आज, कितना उसने एक एनर्जी दिखाई। और पिछला मैच भी ये लोग जीत जाते। वैसे मैंने पिछली बार बोला था, अगर अब्दुल्ला शफीक वो कैच कर लेता मिच मार्श की, तो ये मैच जीत। रिजवान ने नहीं रन मारे आज, रिजवान की सेंचुरी थी, बच गई सेंचुरी, 88 रिजवान ने नहीं मारे। रिजवान ड्रॉप हुआ, सरफराज खेला, वापस आया, उसने दिखाया कि चलो भाई मैं आई बिलोंग हियर, क्योंकि उसने अपनी जगह बनानी थी, उसने सेंचुरी ऑलमोस्ट मार दी। बाबर आजम का टाइम आ गया कि उसको ड्रॉप कर दो, क्योंकि फ्री में मत खिलाओ, फ्री में जबरदस्ती मत खिलाए जाओ, खिलाए जाओ खिलाए जाओ कि जबरदस्ती खेले जा रहे। एक आदमी परफॉर्म करेगा तो खेलेगा, नहीं तो बाहर करो, बाहर कर दो। तो और जमाल की आज भाई वही वाली बात है, क्लासिक पाकिस्तानी प्लेयर, अनप्रिडिक्टेबल, ऑल द टैलेंट इन द वर्ल्ड, आके अपना दम दिखाया इंटरनेशनल स्टेज पे। ऑस्ट्रेलिया में रन बनाना आसान नहीं है, पूरी पाकिस्तान की टीम से रन नहीं बन रहे। इनके कप्तान शान मसूद को भी स्टार्ट्स मिली हैं, कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। 60 भी मेरे ख्याल एक बनाया था, 50 भी हो गया, हर इस बार स्टार्ट मिला है। 30 भी है, बड़ी पारी नहीं खेल पा रहा। स्टार्ट जरूर मिल रही है, बड़ी पारी नहीं खेल पा रहा। सबने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया। देखो अब्दुल्ला शफीक ने कंट्रीब्यूट करा, शान मसूद का कंट्रीब्यूशन आ गया, रिजवान का आज कंट्रीब्यूशन आ गया, सबका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आ गया, इंक्लूडिंग जमाल का कंट्रीब्यूशन आ गया। बाबर का कंट्रीब्यूशन अभी तक नहीं आया। इसके पिछली इनिंग में 40 रन को ही बड़ा कर देता, अरे भाई वापस आ गया, फॉर्म वापस आ गई, कॉन्फिडेंस वापस आ गया। क्या आ गया यार, 20 रन, 30 रन, 40 रन, इसके लिए तुम नंबर वन हो? किस बात के नंबर वन हो? ओवर हाइप्ड अंडर परफॉर्मर इस टाइम पे सबसे ज्यादा फर्जी प्लेयर दुनिया में चल रहा है बाबर आजम। और ये जमाल की इनिंग के बाद पाकिस्तानियों को भी समझना चाहिए भाई, हम जबरदस्ती कभी भी हमारे यहाँ पे फर्जी प्लेयर को हम हीरो नहीं बनाते थे। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतने फर्जी प्लेयर को हीरो बनाया हुआ है भाई। रन बना, कब बनाएगा रन? ये बैड पैच ऐसा नहीं होता कि इतना लंबा बैड पैच विराट कोहली का था 2-2.5 साल, वो भी कोविड का टाइम था, कप्तानी छोड़ी, उसने रन मारने शुरू करे, इसने वर्ल्ड कप 2 खराब कर दिए, एशिया कप 2 खराब कर दिए, यहां पे पूरी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खत्म हो गई। घर पे अपने अपने मतलब की पिचेस, रोड की पिचेस बना के तो कोई भी रन मार लेगा। बट आई एम अमेज्ड बाय जमाल यार, क्या एंटरटेनिंग जमाल, एंटरटेनिंग। एंड इवन आगा सलमान ने भी 50 बनाई, उन्होंने एक छोर संभाल के रखा। मतलब यही है ना कि पाकिस्तान का जो टेम्पलेट पहले मैच से चलता आ रहा है वही चल रहा है, किसी ने कोई सुधार नहीं किया। अब्दुल्ला शफीक पहले मैच से फेल, आज फिर फेल। साउथ शकील फेल चल रहा है, आज भी फेल। बाबर आजम, पूरी दुनिया बाबर आजम से उम्मीद लगा रही है, पर बाबर आजम को नहीं पता चल रहा भाई, पढ़ के बॉल अंदर आएगी, बॉल आके लग जाती है, बल्ला इसका फिर भी ऊपर झूल रहा होता है। यहां पर आप देख लो, और आई एम रियली शॉक फॉर द पर्सन जो लोग कहते थे भाई सरफराज को निकाल के गलत कर रहे हो। रिजवान ने लगातार 2 इनिंग्स में रन बनाकर उन सभी के मुंह पर चांटे लगाए। अच्छा, लेकिन लक्षित मुझे आप ये बात बताइए, मुझे आज जो जमाल की बैटिंग थी, रिजवान पे तो बात करूंगा, मतलब वो क्या स्पेक्टिकल था आपके लिए, कितनी एंटरटेनमेंट थी और कितना शॉक वैल्यू था उस इनिंग का, बिकॉज अनएक्सपेक्टेड और एकदम से आके वो मारता गया, ऑलमोस्ट 100 मार दिया यार। अब ये देखो ना, इसीलिए कहते हैं कि पाकिस्तान में पर्चियों का आगे लेकर जाते हो। जमाल की स्टोरी क्या है भाई साहब, 2013-14 में जमाल ने क्रिकेट खेलने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम में उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा डोमेस्टिक लेवल के ऊपर। वो ऊबर गाड़ी चलाने लगे अपने घर का गुजारा करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में चला गया आमिर जमाल, ऑस्ट्रेलिया में जाकर क्लब क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी इसके दिल में पाकिस्तान के लिए प्रेम जागा, कहता नहीं यार मैं अपने देश के लिए जाके खेलूंगा, मोहब्बत है। वहां जाकर फिर भी चांसेस नहीं मिले, अंततः आपने क्लब लेवल पर देखा गया, रो पिट कर चांसेस मिलते हैं, और चांस मिलने के बाद इस लड़के ने ऐसा परफॉर्मेंस किया। सुशांत भी, इसका T20 डेब्यू था, 6 गेंदों में 14 रन डिफेंड करने थे, सामने मोइन अली खड़ा था, इसने वहां से वो डिफेंड भी किया था। आप टेस्ट का डेब्यू देखो, पहली इनिंग में 6 विकेट ली,
दूसरा टेस्ट मैच विद द बॉल गुड परफॉर्मेंस और विद द बैट पिछली मेलबर्न टेस्ट की पहली पारी में भी 80 बॉलों में 34 रनों की पारी खेली और आज फिर हिटिंग करके दिखाई कुरेशी साहब। एक टेम्पलेट दिखा दिया इसने, एक लड़का जो ऊबर चलाने लग गया था, am I right? या ऊबर चलाने लग गया था, गुजारा करने के लिए ऊबर चलाने लग गया था, मगर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में जो ये बड़ी बड़ी बातें करके आ रहे मोहम्मद हफीज भी कि जी हम तो जीतने आए हैं और ये करने आए हैं और पिछला मैच भी बोल रहे थे हमारी परफॉर्मेंस बेटर थी अंपायरिंग की वजह से, व्हाटएवर नॉनसेंस, लेकिन वो लड़का जो ऊबर चलाने लग गया था वो आज की डेट में इस अगर आप सीरीज को देखोगे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया तो उनके लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज आ रहा है पाकिस्तान के लिए, हाईएस्ट विकेट टेकर विद द बॉल, हाईएस्ट विकेट टेकर है और आज विद द बैट पहली इनिंग में अगर किसी रिस्पेक्टेबल टोटल पे, भाई बहुत अच्छा टोटल है ये बाय द वे, ये कोई कम टोटल नहीं है, अगर आप विकेट्स ले लो बढ़िया कर लो वापसी कर लो जैसे ऑस्ट्रेलिया को आपने सेकंड इनिंग में वहां पे करा था वो उसी टाइप की हालत कर दो बेटा, नीचे वो लगा दो अपना वाला लाइक सब्सक्राइब शेयर वाला स्पोर्ट्स यारी वाला, तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक जरूर कर लेना और शेयर जरूर कर लेना स्पोर्ट्स यारी, तो ये तो मतलब कम से कम कुछ कॉन्सोलेशन एक टेस्ट मैच आप जीतने की स्थिति में आ सकते हो, बट हैट्स ऑफ टू जमाल यार और फाइनली चांस मिला लेकिन उसने प्रूव करा, जैसे आप बोल रहे हैं कि पर्चियों को साइड पे रखो, अगर आप असली पाकिस्तानी टैलेंट को खिलाओगे तो अभी भी वर्ल्ड लेवल के ऊपर वो चैलेंज कर सकते हैं। पांडे जी कितने इंप्रेस हुए आज यार जमाल से, पांडे जी एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, पाकिस्तान के सारे एक्सपर्ट्स इस बात का रोना रोते रहे पिछले 3 सालों से, हमारे पास कोई तेज गेंदबाज ऑलराउंडर नहीं है, हमारे पास हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर नहीं है, आप फहीम अशरफ को बार 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 धकेलते जा रहे हो, आपके पास पड़ा आमिर जमाल जैसा प्लेयर, अब न्यूजीलैंड की T20 सीरीज में भी इसको स्क्वाड में चांस मिला है, वहां प्लेइंग 11 में आएगा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, सिर्फ आमिर जमाल ही नहीं पांडे जी आ रहा हूं, सिर्फ आमिर जमाल ही नहीं, अगर ये सही में अपने गिरावा में झांकेंगे ना सारे इनके सिलेक्टर वगैरह बहुत प्लेयर पड़े होंगे इनके पास, आउट एंड आउट पेस रॉ पेस तो इनके पास हमेशा से रही है, इनको ऊपर वाले की बरकत है राइट, और इवन अगर आप बोले ऑलराउंड स्लॉट्स में तो इनके भी ऑलराउंडर ऐसे नहीं कि मतलब कि कोई इमरान खान जैसा नाम नहीं हुआ बाद में या कपिल देव जैसा नाम कोई नहीं हुआ बाद में, लेकिन अब्दुल रजाक अजहर महमूद यहीं से आए ना, बाद में भी आपने देखा कि शाहिद अफरीदी वो भी ऑलराउंडर कैटेगरी में था हालांकि उसने अपनी बैटिंग को सीरियसली नहीं लिया, सो दे हैड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस राइट, अगर आप देखो ये भी आपके शोएब मलिक हैं वो भी डालते थे बॉल भी डालते थे बैटिंग भी करते थे, ऐसा नहीं है कि इनके पास नहीं रहे हैं और स्पेशली फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ये खिलाते ही नहीं है। जी पांडे जी नहीं वो तो बात जमाल। आमिर जमाल का ये है ना कि जब इनको डेब्यू भी मिला था और वहां पे मैच जिताया था उसके बाद फिर हटा दिया था, सबसे बड़ी बात यह है कि उस सीरीज के बाद आमिर जमाल को ड्रॉप कर दिया था और ये समझ में नहीं आया था कि क्यों किया, जब मौका मिला था तो डेब्यू पर उन्होंने मैच जिताया था T20 का गेम जिताया था आपके लिए, तो आप कंटिन्यू करते परसिस्ट, अगर आपको स्पार्क दिखा था तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए था, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस होता है लेकिन ये सही प्लेयर्स नहीं खिलाते, इनके साथ भी वही चीज है जो हमारे यहाँ पर है, हमारे यहाँ भी वही होता है सिलेक्शन उस तरीके से होती नहीं है, ये भी वही काम करते हैं, अब आमिर जमाल के पास वो टैलेंट है आज भी, जैसे मैं बोल रहा हूं आपको कि ये क्योंकि इनका प्रॉपर स्लॉट नहीं था इनको 9 नंबर भेजा गया जबकि ये 7वें 8वें नंबर पे बैटिंग करने आ रहे थे इससे पहले, तो कहीं ना कहीं दिल में वो बात चुभी होगी, और बैटिंग जिस तरीके से कि मुझे पर्सनली नहीं लग रहा था कि इतना पोटेंशियल है, क्योंकि जितनी देर उन्होंने 30 odd भी जब बनाया था मेलबर्न में वहां पर ऐसा लग रहा था कि हाँ हिटिंग कर रहे थे चौके निकाल रहे थे, लेकिन जो कामनेस के साथ 11वें नंबर के बैटर को खिलाया वो बहुत अच्छा लगा देखकर कि मीर हमजा को भी अपने साथ खिला रहे थे खुद, अच्छा, तो रन बना ही रहे थे। मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट 4000 लोग हमारे साथ अभी लाइव है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा बिकॉज 1000 सब्सक्राइबर दूर है, अगर आपने सबने इसी लाइव में सब्सक्राइब कर दिया तो हम 8 lakh का परिवार इस 2024 के पहले बड़े लाइव में 8 lakh का परिवार अभी अभी हम पूरा हो जाएंगे, सो 8 lakh का परिवार हमें पूरा कर दीजिए इसी लाइव में अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि हम 8 lakh सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएं और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, हम 8 lakh से भी मैं आपको बता दूंगा कुछ हंड्रेड्स में ही दूर है अब 900 से भी 800-900 कम रह गए और 4000 लोग अब हमारे साथ लाइव है तो आप प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि हम 8 lakh अभी कंप्लीट हो जाए। बाय द वे रिजवान ने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली है, रिजवान भी फंसी हुई सिचुएशन में आया था, असली वहां से टर्न हुई टाइट बिकॉज उसने स्लो नहीं खेला, उसने तेज ही खेला और रिजवान भी ऐसा प्लेयर है, मैं देख रहा हूं कि वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में भी इनके लिए डिलीवर करा, T20 वर्ल्ड कप में भी इनके लिए डिलीवर करा, जहां जहां बाबर आजम फेल हुआ है वहां वहां रिजवान ने डिलीवर करा, और ऐसे ही नहीं रिजवान के लिए शाहिद अफरीदी ने बोला था, अभी शाहिद अफरीदी का कुछ वो था ना कोई इवेंट था उनका वहां पे शाहिद अफरीदी रिजवान तो बोल रहे थे कि मैं तो चाह रहा था कि रिजवान बने T20 कैप्टन, लेकिन ये शाहिद बन गया, चलो कोई बात नहीं, बट डिजर्व करता है यार, ये भी ऐसा बंदा है और मैंने आपको बार बार बोल रहा है मैंने ऑस्ट्रेलिया में खुद देखा है सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग अगर नेट्स में कोई है सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला लड़का वो रिजवान है,
उसके रिलीजियस बिलीफ क्या है उससे मैं इख्तलाफ रखता हूँ कि भाई वो ग्राउंड पे वो सब अलग है, चलो उनकी पर्सनल चीज़ है वो, लेकिन हार्ड वर्किंग इससे ज्यादा लड़का है ही नहीं पाकिस्तान की पूरी टीम में। सारी की सारी टीम पहले करता है पूरी की पूरी बैटिंग की प्रैक्टिस, सारी की सारी टीम चली जाती है फिर एक करेगा कीपिंग की प्रैक्टिस, पूरे की पूरी हार्ड कोर कीपिंग प्रैक्टिस करेगा, फिर कीपिंग की प्रैक्टिस करने के बाद जब सारे चले गए ये लिटरली बॉल पिच पे रखकर जो प्रैक्टिस नेट्स में पिचेस होती हैं वहां पे बॉल जमीन पे रख के बल्ले से मार रहा है, प्रैक्टिस ही करे जा रहा है, प्रैक्टिस ही करे जा रहा है। मतलब मैं यही देख रहा था कि भाई एक आदमी कितना नेट्स में टाइम स्पेंड कर सकता है, और लिटरली अगर मतलब बिल्कुल ही उन्होंने लाइट्स ना बंद कर दी होती तो ये तो जाता ही नहीं भाई मेरा। ये इतना ज्यादा हार्डवर्किंग बंदा है मोहम्मद रिजवान, और इसी को बाबर भी हार्डवर्किंग है कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब ये देखो लिमिटेड प्लेयर भी है, आपको पता है कि लेग स्पेस लेग के ऊपर ज्यादा शॉट्स है इसके पास, ऑफ साइड पे इतनी शॉट्स नहीं है, इतनी कलाकारी की दिखा नहीं सकते, लिमिटेड प्लेयर है लेकिन सॉलिड प्लेयर है, इफेक्टिव प्लेयर है, ये हमेशा काम आता है टीम के। आज भी इसी ने बचाया है, आज इसने बचाया। आप जो ऑफसाइड वाली बात कर रहे हैं ना, ये बात जरूर है कि ऑफसाइड में शॉट्स नहीं है, बट आज रिजवान ने इसी चीज में इंप्रूवमेंट दिखाई है। आज जितना मुझे शायद हेजलवुड को इन्होंने 2-3 चौके लगाए, स्टार्क को लगाए, ऑफसाइड में ट्राई भी करते रहे, बट द बेस्ट शॉट फ्रॉम रिजवान वॉज दैट 6 एट डीप फाइन लेग। भाई साहब जिगरा चाहिए होता है, उस टाइम 60-4 स्कोर चल रहा था, 60-4 विकेट गिरी हुई है, वहां पर रिजवान छक्का लगाकर दिखा रहा है। ये आपको बताता है कि रिजवान क्यों जो कारण से लाया गया था दूसरे टेस्ट मैच में कि पेसर्स को मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छा खेलते हैं इंस्टेड ऑफ योर सरफराज, वो उन्होंने अपना प्लेस प्रूव करके दिखाया, और दोनों हाथों से आकाश जो कहते हैं ना कि भाई आपने मौका बटोर लिया वो इसने करके दिखाया। रिजवान वैसे भी रन बनाने वाला प्लेयर है ना यार, 2021 का T20 आए 1300 से ज्यादा रन पूरे साल में, 2022 में 996 रन मोहम्मद रिजवान बना देते हैं, और ऐसे में सिर्फ यहाँ इंटरनेशनल भी और PSL में भी इनकी टीम रनर्स अप रही है पिछले सीजन, कप्तानी कर रहे थे, इसलिए शाहिद अफरीदी ने कहा, बट शाहिद अफरीदी ने यह कहा था एग्जैक्टली दैट शाहीन इज अ मिस्टेकन कैप्टन। जो लोग लिख के लिए लिख रहे भाई मैं इसको 50 बार पहले बोल चुका फोन के लिए, तो ज्यादा दिल से ना लगाए आप बात, मैं पीछे भी इसको 50 बार बोला हुआ है, 1000 बार इसको फोन करके बोल चुका हूँ, फोन मत देखा कर लाइफ पे, जब मैं नहीं भी होता तब भी उसको बोल चुका हूँ, बोला कि नहीं बोला, कम से कम 50,000 बार इसको मैं बोल चुका हूँ, तो जब तक डांट नहीं पड़ेगी ऑनलाइन तो समझ में नहीं आती इसको बात कि भाई तू बैठा हुआ है तेरे को 3-4 हज़ार लोग देख रहे, छोड़ तू फोन को बात कर उनसे। तो खैर एनीवे, तो अब ये है भाई कि यहाँ पर पाकिस्तान का गेम तो बना दिया है, इंडिया गेम बना पाएगी नहीं बना पाएगी देखने वाली बात है। आज तो मुझे हमारे नटखट शर्मा जी को देखना क्या करते हैं वो, लेकिन पाकिस्तान के लिए कितने ही अभी क्या चल रहा है, कितना स्कोर बनाया, 313 पे 10, ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर खेल के 6 रन बनाए हैं, तो ठीक है अभी तो एक ही ओवर खेला है, 313 है ना, पहली इनिंग में इतना बुरा स्कोर नहीं है 313, ठीक ठाक बहुत बढ़िया है। आप 46/4 हो गए थे, ये लाले बढ़ गए थे भाई 150-200 बनेगा कि नहीं बनेगा, वहां से आखिरी विकेट के लिए 86 रनों की पार्टनरशिप लगा देनी, दिस शोज अस दैट कि भाई यहां पर एक बहुत मुश्किल चैलेंज था कहना कि पाकिस्तान के सामने, और वो उसको बहुत इजीली आप कह सकते हैं कि वो पार करके आ रहे हैं, उस लड़ाई को वो जीत कर आ रहे हैं। जिस तरीके से गेम बना हुआ था ना एक समय पर, ऑस्ट्रेलिया तो सोच रही हुई कि अब 250 के अंदर अंदर ऑल आउट कर लेंगे, 250 भी कहा 230 227/9, वहां से 300 से ऊपर पड़वा देना, तो इस समय पर अगर कोई टीम ज्यादा खुश होगी आज के दिन खत्म होने के बाद तो पाकिस्तान ही होगी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए शुरुआत ही बेकार हुआ था, बहुत ज्यादा टॉस जीतकर बैटिंग चुन ली और फिर उसके बाद जिस तरीके से शुरुआत हो गया, तो अल्टीमेटली उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि हम 300 बना देंगे, और जबकि आज का दिन का खेल खत्म हुआ जब तो 300 से ऊपर पाकिस्तान की टीम पहुंच गई, तो ज्यादा मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस बूस्ट पाकिस्तान का होगा। ऑस्ट्रेलिया तो कहीं ना कहीं ये सोच रहा होगा कि उनके लिए चांस मिस हो गया, उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि पाकिस्तान को जल्द से जल्द ऑल आउट करते और गेम को बनाते, गेम में मोमेंटम हासिल करते, एक अच्छी लीड की तरफ जाते। अब तो ऐसा हो गया है कि बिल्कुल आप कहो कि यहां से 50-50 का मैच है, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा मुकाबले में पीछे, यहां से बहुत हद तक डिसाइड करेगा कि बोलिंग आप किस तरीके से करते हो। यहां पर ये भी है ना, आपने तो चलो एक ओवर डलवाना था आज का, आपने वो साजिद खान से डलवा दिया, कल आपके पास आपके पेस अटैक का लीडर, जितनी मर्जी पेस ड्रॉप होगी हो पर शाहीन ये मुकाबला नहीं खेल रहा है, शाहीन का ना होना इस मैच में ये आपको इंपैक्ट करेगा या नहीं करेगा वो कल बताएगा, बिकॉज हसन अली इन स्टार्टिंग ओवर विद द न्यू बॉल, वो भाई नेले पे देला ही है,
वो दैला भला साथ में गोला ले गुलाम लेकर आए या फिर वो साथ में बेगम लेकर आए, बट चला तो चलेगा, नहीं चलेगा तो बहुत गंदा पिटेगा। और डेविड वार्नर ने पहले ही ओवर में चौका लगाकर इंटेंट साफ कर दिया है कि अपने आखिरी टेस्ट मैच में डेविड वार्नर किसी को बख्शने नहीं वाला है। नहीं, बट भाई ऑलमोस्ट 4000 लोग हमारे साथ है, इसी लाइक में, इसी लाइव में आप सब्सक्राइब कर दें। हम तकरीबन 700 सब्सक्राइबर दूर हैं 8 लाख के परिवार से, 8 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, 700 सब्सक्राइबर्स और चाहिए, तो इसी लाइव में आप सब्सक्राइब कर दीजिए। एक सेकंड लगता है, सब्सक्राइब जरूर करेगा जी पांडे जी। फेसबुक पे फॉलो करते हैं जिस तरीके से, आप बेशक शाहिन शाह अफरीदी नहीं है लेकिन जो 82 की नॉक खेल दिया ना आमिर जमाल ने, ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं सीरीज में, जब वो बोलिंग करने आएंगे ना आप देखना अलग ही नजर आएंगे। Also, Akash, this is said that some 82s are better than centuries. हाँ, some 82s are better than centuries, और वो जीत में भी आती है, जो 82 का नॉक आता है वो ज्यादातर टीम को जिता देती है अभी तक जो हमने देखा है। तो पता नहीं क्या पाकिस्तान के लिए ये हिस्टोरिक नॉक होगा 82 जो खेल दिया यहाँ पर आमिर जमाल ने। हो सकता है इतने सालों का रिकॉर्ड अब टूट जाए कि वो जीत जाए फाइनली पाकिस्तान। 313 तो बहुत बढ़िया रन बन गया यार, ट्रैक बैटिंग वाला है थोड़ा सा, तो इस कारण आप कह सकते हो। एक तो ट्रैक बैटिंग वाला, उधर से शाहीन नहीं खेल रहा, स्पिनर्स को मार बहुत ज्यादा पड़ रही है, वहां पर ये साजिद अली को पहली बार ऑस्ट्रेलिया में खिला रहे हैं, मतलब कुछ चीजें इनके हक में भी हैं, कुछ चीजें इनके खिलाफ भी जा रही हैं। सो इट इज येट टू बी सीन कि क्या कुछ होता है। कल का दिन, वैसे भी कल के दिन में बारिश है। साजिद ने जो बॉल डाला था, एक बॉल जो फसाया था वार्नर को, लगभग आउट हो गए थे। हाँ, वो स्टंप्स के ऊपर से किस करता हुआ जा रहा था, लगभग लगभग फंसा लिया था वहां पे। फिल्मी बॉल बोल रहे हैं और ऑब्सेशन विद बाबर आजम इज अनरियल सुशांत। ऑब्सेशन क्या है भाई, जो सच्चे सच्चे, अगर वो तुम खुद ही बोलते हो, सारा पाकिस्तान बोलता है नंबर वन बैटर है, नंबर वन बैटर है, किस बात का नंबर वन है? रन कब बनाएगा? पूरी सीरीज में नहीं चला भाई, कब रन बनाएगा? आमिर जमाल ने आपके 80 मार दिया भाई, 82 आमिर जमाल मार रहा है, रिजवान मार रहा है, शान मसूद मार रहा है, सलमान मार रहा है, सलमान मार चुका है, अब्दुल्ला शफीक मार चुका है, सबके रन आ गए, इस भाई के नहीं आए अभी। इमाम भी बना गए एक बार, इमाम के पहले मैच में 50 आ गए भाई। अब बात ये है ना, सबके रन आ गए, इसके नहीं आए। ऑब्जेक्शन एक तरफ और सवाल ये उठता है ना कि बाबर आजम आउट एक तरह से हो रहा है, बॉल पड़ रही है, अंदर आ रही है, कभी उस पर बोल्ड हो जाएगा, कभी बैट नीचे नहीं आएगा, कभी बॉल आपके बैट पे आगे लग जाएगी, आउट होने का तरीका ही सेम है। ऑस्ट्रेलियंस को पता है बस 10 लगातार डिलीवरीज है बाबर आजम को, टप्पा पड़कर अंदर आने वाली डाल दो, बाबर उसमें कहेगा बाय बाय गुड नाइट टेक केयर मैं जा रहा हूं। और बाबर एक ही तरीके से पता नहीं क्यों डिफेंस करते हैं, मुझे समझ नहीं आती। जब बॉल आपको अंदर पड़ के आ रही है तो आप ये एक जैसे आता है, एक बल्ला सीधा ही आते रहता है, सीधा ही आते रहता है भाई, अगर पड़ के अंदर आएगी तो आप तो फंसोगे ही फंसोगे। सेम वही चीज हुआ, पैड बार तो आउट हो चुका है, अभी तक उसको उसका इलाज ही नहीं मिल रहा। सेम ही तरीके से बार बार, कोई भी ग्रेट प्लेयर हो अगर वो सेम ही तरीके से बार 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 आउट हो रहा है तो वो ग्रेट प्लेयर नहीं होगा फिर, समझ रहे हो आप? मतलब आपको निकालना पड़ेगा उसका अलग। विराट को भी हमने इसीलिए क्रिटिसाइज करा है बड़ी बार कि सेम ही तरीके से आउटसाइड दी ऑफ स्टंप इतनी बार जाता है। अब तो देखो क्लियर होता जा रहा है कि बाबर विराट का तो कोई लेना देना था ही नहीं कभी भी, वो तो कहीं से आसपास भी नहीं था। और पाकिस्तानी हमेशा ये कोशिश करते हैं, अहमद शहजाद को पहले उसके साथ कंपेयर करा, उससे पहले उमर अकमल को उसके साथ कंपेयर करा, अब बाबर आजम को कर रहे हैं, अब कल किसी और को करेंगे, कोई फायदा नहीं है ना उसका। आप जबरदस्ती कंपैरिजन ना करें ना, आप पहले ये देखेंगे उसने रन कब बनाए, किसके अगेंस्ट बनाए। कोई भी बड़ी टीम के अगेंस्ट तो ये रन बनाता ही नहीं है, बाहर रन है ही नहीं। पिछली बार आके ठीक है ऑस्ट्रेलिया में 100 आया था, पता नहीं भाई कैसे बना दिया इसने, क्या किया था उस टाइम पे। बट ये तो आमिर जमाल को ऑलमोस्ट 100 हो गया, रिजवान को ऑलमोस्ट 100 हो गया, बाबर आजम के रन ही नहीं है। बैट पैच भी आता है, लीन पैच भी आता है, इतना लंबा नहीं होता कि आप, ये तो आप बोझ बन गए हैं अपनी टीम के ऊपर। अच्छा एक चीज ये भी होती है कि आपको, आपका जो वीक पॉइंट है आप उस पर काम करते हो। अब रिजवान की जैसी बात है, अब रिजवान के पास ऑफसाइड का गेम पहले नहीं था, आज के डेट में लग रहा है कि उनके पास ऑफसाइड का गेम भी है, शॉट्स भी है, कवर्स की तरफ वो खेलते हैं, पॉइंट की तरफ वो चौके लगाते हैं, थर्ड मैन पे वो चौके लगाते हैं, तो वो तो अपने गेम पर काम कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और रिजल्ट भी मिल रहा है। बाबर आजम कब अपने गेम पर काम करेंगे, जो हम बार बार देख रहे हैं कि पहले टेस्ट मैच में बाहर जाती बॉल पर आउट, दूसरे टेस्ट मैच में अंदर आने वाली बॉल पर आउट, अभी देखा कि पैडों पर बॉल लगे बैट आया नहीं, तो बाबर आजम कब काम करेंगे भाई अपनी गेम पर? अगर नंबर वन बैटर है, सारी चीज है, सबसे बड़ा टैलेंट पाकिस्तान, एक भाई बोल रहे हैं कोई बात नहीं सेकंड इनिंग में रन आएंगे, अबे पूरी सीरीज खत्म हो गई भाई, होने वाला है यार, 5 इनिंग चली गई, सेकंड इनिंग में रन आएंगे नहीं आएंगे क्या पता, बैटिंग जब जितवाने वाली बारी थी, पिछले मैच में सेकंड इनिंग में आ जाते, पिछले मैच की पहली इनिंग में आ जाते, इस मैच की पहली इनिंग में, अगर यहाँ पे बाबर के 50 भी होते, 25-26 रन और हो जाते तुम्हारे, 24 रन और हो जाते, कुछ तो सहायता हो जाती, कुछ तो फायदा हो जाता, आता है टाइम वेस्ट करके चले जाता है वो बार बार, कोई फायदा ही नहीं हो रहा यार, उसका बोझ बन के रह गए वो टीम के ऊपर, और कुछ नहीं है, नाम बड़े दर्शन छोटे टाइप का है कि सारी दुनिया बैठी हुई है, चलो अभी बाबर आएगा कुछ करेगा। पैट कमिंस ने उसको बच्चा बना के रखा हुआ है यार, और आप पैट कमिंस ने लिटरली उसको बच्चा बना, मैंने तो ट्वीट भी करी है फोटो, क्या पैट कमिंस के गोदी में बाबर आजम दिखा देता हूं मैं आपको, क्या कह रहा था आपको मैं, भेजे तो कि अपना बाबर आजम वर्सेस पैट कमिंस इस सीरीज से पहले, पता नहीं 200 कुछ बॉलों में 126 रन, उसके बाद इस बार पता नहीं रन्स बने 5-7 आउट कर चुके 4 पर।
पहले आउट नहीं किया था क्या 226 रन में? आउट नहीं किया था पैट कमिंस ने? पैट कमिंस ने एक बार बाबर को आउट नहीं किया था, या तो पैट कमिंस ये सीरीज में आउट कर रहा है बाबर, या तो पैट कमिंस उस समय आउट ऑफ फॉर्म होगा या बाबर आजम का फॉर्म अच्छा चल रहा होगा, वरना पैट कमिंस जिस तरीके से अभी बोलिंग कर रहे हैं उन्होंने तो नचा कर रख दिया बाबर आजम को। सुपर चैट ले लीजिए, देखो मैंने भेजा है आपको। UM123 बोल रहे हैं बॉब्जी एंड शुभनम, अच्छा शुभनम पता नहीं क्या बोल रहे हैं, शुभनम अच्छा शुभमन और बॉब्जी एंड शुभमन कंपीटिंग फॉर वर्स्ट नंबर वन प्लेयर। थोड़े हल्के हल्के मेरी नमी है आंखों में और वो मैंने ट्वीट करा इनके लिए बाबर के लिए, ये हाल बन के रह गया भाई यार, यही हाल है यार, और क्या हाल है, हाल मान के क्या है, रियलिटी एक्सेप्ट इट। बाबर इन द गोदी, बाबर इन द गोदी ऑफ पैट कमिंस यार, इसने गोदी में ही बैठा के रखा है, पिछले इनिंग में देख लो जो बोल्ड मारे हैं, आज देख ले उसको, मतलब इसको हर बार अंदर की बॉल डालो और ये बाहर है, हाँ बाहर है, चाहे हेजलवुड डाल ले, चाहे कमिंस डाल ले, चाहे हमारा पांड्या डाल ले, चाहे हमारा सिराज डाल ले, और उससे पहले आई थिंक पाकिस्तान में भी जो सीरीज हुई थी न्यूजीलैंड में बॉलर था उसने भी सेम तरीके से आउट करा। अच्छा पहले क्या लगातार डेढ़ दो साल से ऐसे आउट होते जा रहे हैं, और सही में गोदी में आ चुका भाई आज की डेट में बवार बवार बवार। पहले क्या होता था कि लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट ही आउट होते थे, शाहीन वगैरह पीएसएल में इनको गेट खुल जाता, दिखा फोटो इतनी बढ़िया थी यार, गेट खुल जाती थी जिसमें से ट्रक भी निकल जाए, उतना लंबा गैप हो जाता था और लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट ये बोल्ड होते थे। अब तो राइट आर्म पेसर ने भी आउट करना शुरू कर दिया, गैप बनता इतना ज्यादा कि उनको पता ही नहीं चलता कि किंग बनेगा। ओले 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 सीरिया के नाम से कुछ मिलती जुलती जैकेट डाली है यार, देखिए ये साउथ अफ्रीका की जिला है, साउथ अफ्रीका कहां से यार, इंडियन ऑस्ट्रेलिया आप बोल सकते हैं, लेकिन अब देखिए फाइनली इतनी ठंड हुई है, हम बोल रहे थे ठंड नहीं हो रही, ठंड नहीं हो रही, अब ऐसी ठंड हुई है कि हालत खराब हो गई है, तो फाइनली मुझे मेरी जो वार्म सेल वाली जैकेट्स हैं वो पहनने का मौका मिल रहा है, एक मैं आपके लिए भी लाऊंगा, आपको फिट नहीं आई ना ये वाली काली वाली लाऊंगा आपके लिए, कल आप मजा आ जाएगा आपको, कल आप सांता क्लॉस बन के पिज्जा वीजा खाने गए थे यार, सांता क्लॉस साथ में ब्राउनी थी उसकी, ब्राउनी जो कप में बिस्कुट और भी था ना जिसमें चम्मच था, वो था सूप, हां फ्रेंच अनियन सूप था फ्रेंच, वो देखिए ना आप, ओले ओले बाबल खेलेगा, बट इधर टॉस भी हो रहा है, ओले बाबल खेलेगा, रन भी बनाएगा, कितने रन बनाएगा, कुछ भी नहीं, 20-25 कुछ भी नहीं, गचली मछली यही हो रहा है इसके साथ अभी, एवी किंग बना हुआ है फालतू का, ये है बच्चों किंग, इसके लिए मैं करवाऊंगा चिल्ड्रन क्रिकेट लीग, चिल्ड्रन क्रिकेट छोटा छोटा वहां पर छोटा सा बाबा रहेगा खेलते हुए, अगली 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 मैं खेलूंगा वो एक इसका वहां पर क्या है, दिखाओ इसको यार, खिलाओ इसको भाई को भी तो बोलो इसको कुछ तो कर लेगा।